हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। देखिए, विजयनगर एम्पायर में हमने जाना कि टोटल 4 डायनेस्टीज थी। फर्स्ट डायनेस्टी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबी थी, तो उसके लिए हमने एक ही वीडियो बनाई और उसी में सिर्फ संगम डायनेस्टी यानी फर्स्ट डायनेस्टी को कवर किया। अब जो बाकी की 3 डायनेस्टीज़ हैं यानी कि सुलभ डायनेस्टी है, तुलभ डायनेस्टी है एंड अराविदु डायनेस्टी है, इन तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सो अपना पेपर पेन उठा लें, नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया काफी अच्छे से मैंने ये नोट्स मेंटेन करने की कोशिश की है, तो आप लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा अगर आप नोट्स को साथ साथ में मेंटेन करें। फाइन, संगम डायनेस्टी के बारे में हमने जाना, ठीक है, वो हमारा हो गया कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सुलभ डायनेस्टी के बारे में। सो सुलभ डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सुलभ नरसिम्हा थे। नाम से आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं, इसमें याद एसएच करने वाला कुछ टफ है नहीं। सो सुलभ नरसिम्हा जो थे, ही किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी विरूपाक्ष टू। इन्होंने क्या किया, जो लास्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के विरूपाक्ष टू, उनको मार दिया। खुद जो है सुलभ नरसिम्हा उनके कमांडर थे, तो अपने राजा को मारकर ये खुद राजा बन गए। इन्होंने फाउंड कर दी सुलभ डायनेस्टी। ही रूल्ड फॉर 2 decades, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 साल तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। फिर आते हैं इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा जो है वो बने लास्ट रूलर ऑफ सुलभ डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के लास्ट राजा बने। हिज कमांडर किल्ड हिम, इनके जो कमांडर थे उन्होंने इनसे मार दिया। इनके कमांडर का नाम था वीर नरसिम्हा। अब वीर नरसिम्हा ने क्या किया, मार दिया, ठीक है, इमादी नरसिम्हा को, और नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, तुलभ डायनेस्टी। अब यहाँ पे आई नो कन्फ्यूजन होता है, बट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद रखा है कि आई पहले आता है, वी बाद में आता है, तो इमादी नरसिम्हा पहले राजा बनेंगे, वीर नरसिम्हा बाद में राजा बनेंगे। अब इमादी नरसिम्हा पहले राजा बन गए हैं, वीर नरसिम्हा यहाँ पे आए, इन्होंने फाउंड की तुलभ डायनेस्टी, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बाकी जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप चलते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। टाइम के साथ आपको खुद ही चीज़ें याद हो जाती हैं, बट हमेशा अपना सोर्स एक रखना। अगर आपने मान लीजिए मेरी वीडियो से नोट्स बनाए हैं, तो उन्हीं नोट्स को आप बार बार पढ़ें, फिर आपको क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा कि अरे पेज के इस वाले पार्ट में, पेज के इस वाले पार्ट में ऐसा लिखा है, पेज के इस वाले पार्ट में ऐसा लिखा है, तो वो पूरा दिमाग में छप जाता है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे तुलभ डायनेस्टी की, ये 3rd डायनेस्टी है। इसमें भी जो है ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कृष्णदेव राय आते हैं, ठीक है, उनके बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। फाइन, तो हम तुलभ डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा। इन्होंने क्या किया, सुलभ डायनेस्टी के लास्ट रूलर इमादी नरसिम्हा को मार के नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, ठीक है। सो कृष्णदेव राय कौन थे, कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। ये भी जो है तुलभ डायनेस्टी के एक बहुत ही महान राजा थे, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलभ डायनेस्टी, सेम चीज़ मैंने बोल दी। वॉरियर थे, ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आई डोंट थिंक इन चीज़ों को समझाने की जरूरत है। अच्छे प्रशासक थे, वॉरियर थे, युद्ध अच्छा युद्ध करते थे, आर्ट एंड लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। बाबर कॉल्ड हिम इन बाबरनामा द मोस्ट पावरफुल रूलर। बाबर ने बाबरनामा में कहा है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे। इनके मिनिस्टर थे सुल्फ टिम्मा, ठीक है। हिज पॉलिटिकल आइडियाज़, अब इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको अमुक्तम माल्यदा में, ठीक है, जो कि तेलुगु में लिखी गई है। इन्होंने एक और बुक लिखी है जंबावती कल्याणम, ये संस्कृत में लिखी है। सोचिए लोगों को कितनी लैंग्वेजेस आती थी। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अपनी लोकल लैंग्वेज आती है हिंदी, इंग्लिश एंड दैट्स इट, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, बट इनको संस्कृत आएगी, इतनी टफ लैंग्वेज होती है। मतलब हमारे लिए तो टफ ही, आई डोंट नो ईजी है, बट टफ है ऑब्वियसली। पूरी थोड़ी सी नॉलेज होना वो चीज़ अलग होती है, पूरी टिप्स पे होना वो चीज़ अलग होती है। तेलुगु में इनको आती थी, है ना, हिंदी भी बोलती होंगी, तो काफ़ी लैंग्वेजेस का ज्ञान होता था उस टाइम के राजाओं को, है ना। फिर आ गया पोर्तुगीज ट्रैवलर, मतलब इनके टाइम में कौन कौन ट्रैवलर आए थे, तो वो थे डोमिनिंगो पास आए थे, बारबोसा आए थे, फ्राय लुइस आए थे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज तो हो गया कंप्लीट, अब चले चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जो हमारे कृष्णदेव राय थे, इन्हें किस किस नाम से इन्हें जाना जाता था। सो इनको अभिनव भोज भी कहा जाता था, आंध्र पितामह भी कहा जाता था, आंध्र भोज भी कहा जाता था, यवन राजा स्थापक स्थापनाचार्य भी कहा जाता था, तो कितना कुछ कहा जाता था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये टाइटल किसका था, ये टाइटल किसका था, इस नाम से किसको जाना जाता था, तो हमें पता होना चाहिए। यवन राजा स्थापनाचार्य का मतलब है रिस्टोरर ऑफ यवन और बिदार किंगडम को इन्होंने रिस्टोर किया था इसलिए। अब इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे, नाम से पता चल रहा है, 8 ग्रेट पोइट्स थे तेलुगु लैंग्वेज के इनके कोर्ट में। तो देखिए 8 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट हम सिर्फ 2 के बारे में पढ़ेंगे, बाकी अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही काफ़ी हैं, ठीक है। फर्स्ट है पिदाना, इनका मनुचरित्रम, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तेनाली रामा, पांडुरंग महामाट्यम, ये 2 चीज़ें इन दोनों ने लिखी हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 6 आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल रख रहे हैं, ठीक है, तो आप
लिख सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे स्टैंडर्ड बढ़ ही रहा है कमीशन का, है ना। अब पहले पेज एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइन, सो ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, बाबर के समकालीन थे, ठीक है। हिज एरा इज कॉल्ड क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो टाइम है वो कहलाता था क्लासिकल एज तेलुगु लिटरेचर की, मतलब काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा था इन्होंने उसको। कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी, इन्होंने एक नई सिटी बनाई नागलपुरम आंध्र प्रदेश में, एंड मेड टू टेम्पल्स देयर, वहाँ पे दो टेम्पल्स बनाए, हजारा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर की बात हो रही है, हम्पी में दो टेम्पल्स बनाए। अब क्वेश्चन ये आता है, अब क्वेश्चन ये नहीं आता, अब क्वेश्चन ये आया था जब मैंने एक एग्जाम दिया था, फिर मुझे एकदम लगा कि ये चीज़ तो पढ़ी नहीं है, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी थॉरली स्टडी की तो मुझे पता चला विजयनगर एम्पायर में ये थे, तो मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए फिर उसके बाद अपने लिए। सो इनका था कि द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत वर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दीज टेम्पल्स, कौन से टेम्पल्स की दीवारों पर रामायण और महाभारत की स्टोरियाँ इंस्क्राइब की गई हैं, तो वो है हजारा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ठीक है। ही बिल्ट विजय महल, इन्होंने विजय महल बनाया, विजय महल को हाउस ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। अब ये हो गया हमारा कृष्णदेव राय के बारे में। अब आएंगे हमारे नेक्स्ट रूलर जो कि थे अच्युत राय, बट ही वॉज अ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर, ये एक वीक रूलर थे, इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, पोर्तुगीज हॉर्स ट्रेडर थे, फन्नाओ नुजीम या फन्नाओ नुनीस भी है कहीं पे, तो वो इनके टाइम में विजयनगर या इंडिया आए थे, ठीक है। तो हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट रूलर आते हैं अच्युत राय के बाद सदाशिव राय। सदाशिव राय जो है ये लास्ट रूलर थे, इनके पीएम जो थे वो थे रामा राय। अब देखिए इनके टाइम एक बैटल हुई है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये पार्ट आप ज़रूर लिखना। इनके पीएम थे रामा राय, एबल बट एरोगेंट, जो सदाशिव राय थे ये एबल तो थे बट काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थे, तो इसलिए हिज पीएम मेड हिम पपेट, इनके जो पीएम थे उन्होंने इनको पपेट बना के रखा था, जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर बोलते थे ये वैसा ही करते थे, ठीक है। तो इनके टाइम में एक बैटल हुई वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ राक्षसा तांगड़ी, बैटल ऑफ बनीहट्टी या बैटल ऑफ तालीकोटा, किसी भी नाम से आपको मिल जाएगी, 1565 में हुई थी। कौन कौन था, एक साइड पर सदाशिव राय थे, मतलब ये राजा थे, इनकी अपनी आर्मी थी, दूसरी साइड पर अलायंस था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बिदार, इन सब के लीडर कौन थे, अली आदिल शाह, ठीक है। तो ये सब जो थे ये जीत गए और सदाशिव राय हार गए। अब क्योंकि ये हार गए तो रिजल्ट क्या रहा वो भी देखना पड़ेगा। रामा राय वॉज टेकन प्रिजनर एंड एग्जीक्यूटेड बाय हुसैन विजाम शाह टू, ये जो रामा राय थे जिन्होंने राजा को पपेट बनाया था, खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे, इनको क्या किया, इनको जेल में डाल दिया गया, इनको मारा गया बाय हुसैन विजाम शाह टू। दस विजयनगर डाउनफॉल स्टार्टेड, यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा विजयनगर एम्पायर था इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आजकल, कि द फाइव सक्सेसर स्टेट्स ऑफ बहमानी किंगडम वर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ रामा राय पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हम विजयनगर एम्पायर या विजयनगर किंगडम पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद जैसे विजयनगर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक लेक्चर रहेगा जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, लिटरेचर वो सब पढ़ेंगे विजयनगर का, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहमानी किंगडम। तो जब बहमानी किंगडम खत्म होता है ना, तो वो पूरे पाँच स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, तो जो वो पाँच स्टेट्स में डिवाइड हुआ वो हुआ रामा राय की पॉलिसी की वजह से, ठीक है। अब देखिए जो विजयनगर और बहमानी किंगडम है ये साथ साथ में चल रहे थे, बट होता ये है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं, रायचूर दो आपको लेकर रहते हैं, बट वो हम बहमानी किंगडम में जानेंगे कि क्यों इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, इनकी एक दूसरे से बनती नहीं थी काफ़ी सालों तक, एक तरह से 100 सालों तक इनकी बिगड़ी रही जो भी था। बट क्वेश्चन अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि जो बहमानी किंगडम के बाद पाँच स्टेट्स बनी ना, वो रामा राय की पॉलिसी की वजह से ही बनी, इन्होंने ही बहमानी किंगडम को लास्ट में तोड़वाया, डिसइंटीग्रेट करवाया, ठीक है। फाइन, तो ये हो गए हमारे थर्ड डायनेस्टी, ठीक है, तुलब डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट अराविदु डायनेस्टी। तो अराविदु डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तिरुमल थे। अब तिरुमल कहाँ से आ गए एकदम, ना इन्होंने ऊपर वाले किसी राजा को मारा, ऐसे आ गए क्या ये, तो ही वॉज ब्रदर ऑफ रामा राय, रामा राय का भाई था ये, ठीक है तिरुमल। रामा राय जब जेल चले गए तो उन्होंने गद्दी संभाल ली, ठीक है। सो दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स, 100 साल तक इस डायनेस्टी ने रूल किया। सीजर फेडरिक जो है विजिटेड विजयनगर आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा की बैटल के बाद यहाँ पे आए। अराविदु डायनेस्टी के जो लोग थे उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की पेनिकोंडा को, ठीक है। वीना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वीना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप सबको पता ही होगा वीना क्या होता है। इट एक्वायर्ड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर था वहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेस इसने एक्वायर किया,
ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगी, अभी तक मैं पॉलिटिक के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग में। प्लस हम साइमल्टेनियसली इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो इन दोनों का जितना जितना हुआ है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, नयांगकर सिस्टम, अयंगर सिस्टम, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। सो आप बने रहें बस मेरे चैनल के साथ, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।